कोहली भैया को कभी देखा है बॉलर्स के छक्के छुड़ाते हुए? थोड़े टाइम पहले ही इंडिया पाकिस्तान से एशिया कप में मैच आ रहा था, तो ये श्योर नहीं है कि पाकिस्तान हारेगा ही हारेगा। अरे संडे का क्या प्लान हो सकते, पूरे इंडिया का एक ही प्लान है, वो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। इंडिया, 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 इंडिया। अबे चलना, मैच तो होता ही रहता है, कौन सा इंडिया मैच जीतेगा ही जीतेगा। इंडिया जीता तो तू पार्टी देगा और इंडिया हारा तो मैं तुझसे पार्टी लूंगी। ओके डन। अबे उसके लिए मैच देखना भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो 1 बजे मेरे घर आ जाना और इंडिया की मैच खत्म होने पर पार्टी जरूर देना। कुछ भी यार, अभी थोड़े टाइम पहले ही इंडिया पाकिस्तान से एशिया कप में मैच आ रहा था, तो ये श्योर नहीं है कि पाकिस्तान हारेगा ही हारेगा। चल छोड़, हम इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं बस। हाँ चल ठीक है, इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे बस, पर अभी क्या है कुछ टाइम से इंडिया का टाइम सही नहीं चल रहा है। बात तो सही है। अभी देख, अपन एशिया कप में हारे श्रीलंका से, फिर पाकिस्तान से हारे, फिर बाहर हो गए मैच से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे होता है कभी कभी, दिन अच्छा भी नहीं होता है कभी। लेकिन भूल मत, 2007 में हमने पाकिस्तान को एक ही वर्ल्ड कप में 2 बार हराया था। अब तक T20 में इंडिया पाकिस्तान से 5 बार जीता है। छठा मैच नहीं बताएगी जो 10 विकेट से आ रहे थे? स्टैटिक मत बता, पूरे इंडिया को बताया वो बात। बहुत तकलीफ होती है, और वैसे भी इंडिया 19वें ओवर पे ही मैच हार रहा है आजकल, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो जा। देख, इंडिया पाकिस्तान का मैच प्रैक्टिकल नहीं, इमोशन से होता है। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। हाँ, और अगर पाकिस्तानियों का दिन हुआ ना तो हर हर महादेव। और एक बात बता, पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छा बॉलिंग साइड रहा है, फिर भले पाकिस्तान मैच हारा हो या जीता हो, लेकिन उसकी बॉलिंग पे कभी शक नहीं करना चाहिए। और ऊपर से साहिन अफरीदी भी वापस आ गया है, जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट में सिर्फ विकेट ही खाता है। साहिन अफरीदी क्या कर सकता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इंडिया के बल्लेबाज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के आगे घुटने टेक देते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड की 3rd नंबर की टीम है T20 में। आज तो सही है, उनके पास वर्ल्ड बेस्ट ओपनिंग जोड़ी भी है बाबर आजम के रूप में, तो अब क्या हुआ? अरे डूड, वैसे हमारे भी छोरे कमन आए हैं, राहुल, रोहित, सूर्या, हार्दिक पांत, एक से बढ़कर एक है, सब एकदम गोल्ड है गोल्ड। तू पाकिस्तान के क्या स्टेटस दे रहा है? कोहली भैया को कभी देखा है बॉलर्स के छक्के छुड़ाते हुए? आप बोल ना मैं। स्टेटस में इंडिया पाकिस्तान से कहीं आगे है, पाकिस्तान नंबर 3 पर है और इंडिया नंबर 1 पर। जीतेंगे तो हम ही। अभी प्रैक्टिस मैच में इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन में ऑस्ट्रेलिया को हराया ना, और पाकिस्तान भी तो बुरी तरह से इंडिया से हारा ना। इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैच में आया है और पाकिस्तान ने अपनी बैच स्ट्रेंथ को उतारा है, तो इतना उछल मत। वैसे भी पिछले कुछ मैचों से कैच टपका रहा है इंडिया, रेगुलर जो मौके मिल रहे हैं उनका फायदा ही नहीं उठा पा रहा है। और कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस, और टॉस T20 का बॉस है, टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग नहीं करती है। अबे पका मत, आकाश चोपड़ा ये वाला ज्ञान कमेंट्री में देगा। और वैसे भी पाकिस्तान की फील्डिंग कोई वर्ल्ड क्लास नहीं है, मानती हूँ अपन ने कैच छोड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैच में कोहली भैया ने क्या रन आउट किया, बाउंड्री पर क्या कैच पकड़ा था, अपन का सब सही है, अपन जीत रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम टॉस हारे थे लेकिन जीत भी तो गए थे ना, तू क्या चाहता है, पाकिस्तान जीते? अरे नहीं, ऐसा मैंने कब कहा यार, मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया मैच जीते। तू बस संडे की पार्टी रेडी रख। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, तो संडे को ही पता चलेगा कि पार्टी कौन देगा। देख, पार्टी तो तू ही देगा, याद है ना थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? इंडिया जीता तो तू पार्टी देगा, और इंडिया हारा तो मैं तुझसे पार्टी लूंगी।